तो आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने छापेमारी की है। यहां छापेमारी पर नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर यह छापेमारी हुई है। सूत्रों ने बताया है कि आबकारी विभाग से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव ने 15 पेज की एक रिपोर्ट बनाई थी। इसके बाद रिपोर्ट को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ भेजा गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा और यह रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई। सीबीआई के एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम है। आपको बता दें सीबीआई ने आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उससे जुड़े तमाम लोगों पर छापेमारी की है। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की है जिसमें मनीष सिसोदिया और 4 आबकारी अधिकारियों के नाम शामिल है। जानकारी मिल रही है कि पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्णा के घर पर भी रेड चल रही है। कुल 21 जगह रेड चल रही है जिसमें 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इस कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम की प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अब स्वर्णिम युग की ओर बढ़ता हुआ यह बदला हुआ भारत है। अब इस देश में राजा हो या रंक हो, नेता हो या अभिनेता हो, यदि दुष्कर्म करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। यह कोई कांग्रेस का पुराना काल नहीं है जहां पर व्यक्ति विशेष देख करके कार्रवाई होती थी, बड़े लोगों को नेताओं को छोड़ दिया जाता था क्योंकि वो नेता है। अब इस बदले हुए भारत में सबके लिए कानून समान है, गलत करोगे सजा मिलेगी।